कहाँ यूट्यूब फैमिली कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ हम खैर से, आप भी खैर से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो हमारा चैनल देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। तो देखिए आज हम धो रहे हैं कपड़े, माहम उतार रही है पर्दों के वो ही हाँ उतार रही है, इसके बाद जो क्लिप लगे होते हैं वो ध्यान को सुलाया हुआ है, तो इधर मशीन लगाई हुई है, देखेंगे मशीन लगाई हुई, मैं और माहम के अबू दोनों कर रहे हैं सफाइयाँ। फिर बोला धो लें, फिर बारिश का कोई पता नहीं है, आज तो खैर धूप निकली हुई है, देखें धूप है, ये कल धोए थे भालू अभी तक गीले, अभी बाहर निकाल के रखे हुए, तो बाकी का जो भी सीन होगा फिर आपके साथ शेयर करते हैं। मैं लगी हुई किचन के बर्तन बर्तन साफ करने में, देखें सारे उतारे हुए मैं पर्दे वगैरह, तो सारे किचन के भी ये सारे छाड़े वाड़े उतारे हुए, तो बाकी का जो भी सीन होगा फिर आपके साथ शेयर करते हैं। आज माहम को भी लेके जाना है डॉक्टर के पास, माहम का दांत ने यानी कि नया निकल आया है, जो आगे का है ना वो वही फंसा हुआ है, जो भी चीज़ खाती है तो इसको दर्द होती है, तो देखेंगे अगर टाइम हमें फारग हो गए टाइम से तो फिर माहम को लेके जाएंगे, तो बाकी का जो सीन होगा फिर आपके साथ शेयर करते हैं। कल आंटी मम्मा जो है वो गद्दों को छान चढ़ा रही है, ये मेरा गद्दा है, इसके ऊपर मैं सोती हूं। हां ये जो है ना नीचे फोम है ना तो वो फिर गंदी नहीं होती, इसलिए मैंने इसके पर डबल डबल छाड़े चढ़ाए हैं ताकि ये जो फोम साफ सुथरी रहती है, तो ये वाला जो है ना ऊपर से उतार लेते हैं धो लेते हैं तो साफ हो जाता है। अभी मोहम्मद जान भी रो रहा है, इसको भी ध्यान करना है, ये भी रो रहा है, हां इसलिए ये भी रो रहा है, मैंने कहा पहले ये काम करना, आज तो इतना इतना ना वो परेशानी हुई है ना, मशीन तो लगा ली बहुत मगर सारा दिन काम खत्म ही नहीं हुआ, अभी मैंने गोली पाई है, पूरा जिस्म दुख रहा है। तो देखे जान को माहम ने उठाया हुआ, अभी मैंने छाड़ा चढ़ा लिया, ये देखो, तो अभी मैं ना उसके ऊपर चादर बिछाऊंगी, फिर माहम का बिस्तरा तैयार करती हूँ, इसलिए कह रही मम्मा आज छत थोड़ी ठंडी हो रही है तो नींद आ रही है, तो माहम का अबू टीवी देख रहा, हेलो कर दो प्यारे बहन भाइयों को, सलाम दुआ कर लो, हेलो बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम, चैनल को लाइक करो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब भी करना और हमारी वीडियो दूसरों से भी शेयर किया करें प्यारे बहन भाइयों, तो ताकि हमारे जो व्यूज़ भी बढ़े और हमारा जो सब्सक्राइब भी करवाया किया करें और दूसरों को भी बोला करें ताकि हमारा चैनल जो आगे बढ़े, तो हम कहते हैं हम किसी की सपोर्ट ना लें, हमारे प्यारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हमें कामयाब करेंगे और अल्लाह पाक भी हमारे साथ है, ज़रूर हमारी मदद करेगा, तो हमें आपकी दुआओं की, आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, हम किसी की सपोर्ट नहीं, हम आप लोगों की सपोर्ट चाहते हैं। तो अभी मैं ये देखें पूरा घर आज जो है ना कपड़ों से भरा हुआ है, अभी मैं जो है ना ये चढ़ा कर तो फिर ज्ञान को करती हूँ तैयार, तो बाकी की वीडियो आपसे करते हैं बाद में शेयर। हाँ बेगम क्या नाश्ते में क्या बना रही हो? टमाटर की भुजिया बना रही हूँ चटनी। अच्छा मैंने बोला नाश्ते में बना लूँ, साला नहीं था तो अंडे हम खाते नहीं, चलो यही बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बनाओ भूख लगी हुई है। हाँ बना रही, इसमें मैंने डाले हैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और जो टमाटर है वो होते हैं लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, वो जो सारे मसाले नमक वो डाले, अभी मैं इसको पकाऊंगी, बहुत मज़ेदार बनती है, वैसे तो दो तरीक़ों से बनती है, कूट के बना लो मगर मैंने ये तेल वाली बनाई है क्योंकि ये हम लोग शौक से खाते हैं, तो अब ये इसमें थोड़ा सा ना हम पानी डालेंगे जो लाल मिर्ची का वो जो है ना तीखापन वो उसको ख़त्म करेंगे, थोड़ा ये हमने थोड़ा सा पानी डाला है, अब ये टमाटर जब ना इसमें बिल्कुल गल जाएंगे फिर अच्छी सी चटनी बन जाएगी। हाँ बेगम भाई मुझे भी पराठे बना दो चकोर वाले, सुबह कल मेरा वाइट आटा लेके आया था। हाँ बना रही हूँ, आपका भी बना रही हूँ और माहम का भी बना रही हूँ, दो बना के देना, मैंने तो चपाती खानी है, मैं तो पराठा नहीं इस्तेमाल करती, ये बना के रख लूँगी ना, चटनी भी हमारी बन गई है, देखिए मैंने यहाँ चलकी की थी, देखिए चटनी भी हमारी बन गई है।
देखो माशाल्लाह चटनी तो बड़ी मजेदार है भाई, बहुत अच्छी लग रही है। अंडे अंडा डालो तो अंडे वाली बन जाएगी, मगर अंडा हम खाते नहीं। देखने में देखा बहुत अच्छी लग रही है तो खाने में भी अच्छी होगी। बेटा क्या कर रही हो? आंटी अंकल हाय करो। हेलो अंकल आंटी। हाँ जान जान बेटा आंटी अंकल हाय करो। हेलो इधर देखो मेरा बेटा। बेगम पका रही है, अब पराठा बना रही है, या पराठा देखें? चकोर पराठा। तो ये चटनी मैं जब काम पे जाता था ना, मैं लेके जाता था, तो वहाँ जब मेरे दोस्त थे ना, ये बड़े उसको बहुत पसंद करते थे, कहते ये भी चटनी लेके आया करो। ये माशाल्लाह ना मेरी बेगम जो है ना चटनी बहुत अच्छी बनाती है, ये खाने में भी मजेदार होती है। हाँ, ये तो खाने में बहुत टेस्टी है। देखो ये वाइट आटा ना, इसके पराठे अच्छे बनते हैं। पराठा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। वाइट आटे का ना तो बहुत अच्छा होता है पराठा। तो उस दिन वो आप वो ले आए थे कनक का आटा, तो वो तो इतना काला था कि पराठा तो काला होता नहीं, ये वाइट है, वाइट कलर का पराठा बहुत अच्छा बनता है। मामा भी ये वाला ही खाती है आटा, बोलती मामा ये वाला ही लेकर। पराठे बन गए? मैं ये भी बना रही हूँ, एक बना लिया है। ये रहा एक, ये रहा, अब ये मामा बना रही है। तो ये देखिए हमारे पराठा, दूसरा पराठा बन रहा है, ये रहा चटनी बनाई है। अब्बू को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की बनती है ये, आप भी ट्राई करिएगा। आंटी सभी जब नाश्ता बन जाएगा तो फिर हम आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। आंटी जी देखें, रात की हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, अभी तक नहीं रुकी है, देखें कितनी तेज़ हो रही है मौसम, बादल भी जो है वो गरज रहे। आपको शायद मौसम हो रहा है, ये मौसम तो बहुत, और हवा भी साथ चलना शुरू हो गई है। देखिए इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बाहर में जाने तक भी तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बारिश हो रही है। अरे बहन भाई ये देखे, अब हम नाश्ता करने लगे हैं, महम भी कर रही है, मामा का अब्बू भी बैठ रहा है, और ये देखे मैं तो साथ फ्राई पैन में मैं खाने लगी। मैंने बोला चलो मैं इसमें खा लेती, इनको मैंने डाल दी थी, बहुत मज़ेदार बनी है चाय। और मैं तो चपाती खाती, इनको परांठा बना के दिया। मामा का अब्बू भी चपाती खाता है, मगर आज उसका दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो खा लें आप। तो ये देखो जान के काम, जान अपने कामों में मसरूफ़ है। देखिए बहन भाई इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, कल होगी मुलाकात नए व्लॉग के साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन लाजमी प्रेस कर देना। तो कल नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।